बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा क्रीम चिकन। तो जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चीज़ें नोट कर लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी में जाएगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, उसके बाद इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का अनियन या 2 मीडियम आप अनियंस ले लें, उनको बारीक चॉप कर लें। 1 गट्ठी लहसुन की ली और उसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया। फिर इसमें जाएगा 1 teaspoon सॉल्ट, आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 teaspoon इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। 1 teaspoon इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। 1 teaspoon इसमें जाएगा ग्राइंड ज़ीरा। उसके बाद इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/2 cup से थोड़ा सा कम। इसमें जाएगा 1 glass मिल्क, 1 packet फ्रेश क्रीम जाएगी, इसमें आप कोई सी भी पैक वाली क्रीम ले सकते हैं। 2 teaspoon इसमें जाएगा लेमन जूस, अगर लेमन नहीं है तो आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। और 4 to 5 इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे हम 1 teaspoon सॉल्ट यानी नमक, 1.5 teaspoon ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, और साथ में जाएगा पिसा हुआ जो हमने 1 चम्मच ज़ीरा रखा था वो जाएगा, और 2 teaspoon लेमन जूस। इन चीज़ों को हम चिकन के ऊपर लगाकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तमाम मैरिनेशन हमने इसके ऊपर लगा दी। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद कुकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। 1/2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रख दिया था। अब कुकिंग करनी शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन को रखें आप चूल्हे पर, उसमें डाल देंगे हम 1/2 cup कुकिंग ऑयल, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम अनियंस चॉप किए हुए, अनियंस को करेंगे हम हल्का सा सॉफ्ट, क्योंकि ये वाइट चिकन बनना है क्रीम चिकन, इसलिए इसमें भी अनियंस का कलर जो है वो हमने डार्क नहीं करना, सिर्फ उसको हमने सॉफ्ट करना है। 1 मिनट तक अनियन को हमने इस तरह से ऑयल में फ्राई किया, ये सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक लहसुन को भी हमने फ्राई किया। अब हम ऐड करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। हीट को आप मीडियम या मीडियम टू स्लो रखें, क्योंकि स्लो हीट पे खाना हमेशा ज़्यादा अच्छा बनता है। चलें अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया। इसको अब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। हीट को हम रखेंगे मीडियम पर। तीन से चार मिनट तक मैंने चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 glass मिल्क यानी दूध, और दूध डालने के बाद इसको हम एक तेज़ आंच पर एक बॉयल आने देंगे, और उसके बाद हम इसका चूल्हा स्लो करेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से दूध को बॉयल आ गया है। अब हम हीट को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको गलने तक पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और हीट को बिल्कुल स्लो रखेंगे। 15 से 20 मिनट तक हमने इसको
स्लो हीट पर पका लिया। चिकन अच्छा सा गल गया है और इसमें देखें इतनी ये ग्रेवी रह गई थोड़ी सी। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप क्रीम या एक पैक फ्रेश क्रीम का, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज 4 to 5 जो हमने रखी थी उनको छोटा छोटा सा काट लिया, ये डाल दिया। और अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अदरक यूँ स्लाइसेस में काट कर ये भी आप इसमें ऐड कर दें। इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कवर करके स्लो हीट पे पकाएंगे। तो रेडी है मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाही विद क्रीम। आप इस रेसिपी को फॉलो करके ये डिश बनाइए, आपको ये चिकन बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।